हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ग्रीडी एल्गोरिदम्स, या जिसको आप कह सकते हो ग्रीडी टेक्निक्स, जो कि एल्गोरिदम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, ग्रीडी टेक्निक एक्चुअल में होती क्या है, या ग्रीडी एल्गोरिदम्स एक्चुअल में होते क्या है। एल्गोरिदम्स विच फॉलो लोकल ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेज विद इंटेंट ऑफ फाइंडिंग द ग्लोबल ऑप्टिमम। कहने का मतलब क्या है, हम हरेक स्टेज पे बेस्ट चॉइस जो है, मतलब लोकली हम हरेक स्टेज पे बेस्ट चॉइस की तरफ जाते हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से हम देखें, लेट्स से ये मेरा सोर्स है, इस सोर्स से मेरे पास मल्टीपल पाथ है और ये पाथ मेरे को आगे जाके किसी डेस्टिनेशन पे लेके जाते हैं। लेट्स से ये मेरा जो है वो डेस्टिनेशन है डी, ये मेरा सोर्स है और वो मेरा डेस्टिनेशन है। अब यहां पे अगर हम बात करें, सोर्स से जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मैं कहां पे, किस स्टेज पे हूं, इस स्टेज पे। वो कह रहा है कि इट फॉलोज द लोकल ऑप्टिमल चॉइस। लोकल ऑप्टिमल चॉइस का मतलब क्या है, इस स्टेज पे लेट्स से यहां तक जाने की कॉस्ट है 10, यहां तक जाने की कॉस्ट है 20, इधर जाने की कॉस्ट है लेट्स से 5। तो इसने करना क्या है ग्रीडी एल्गोरिदम में, ग्रीडी एल्गोरिदम इस स्टेज पे सबसे मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट वाइज मतलब अगर हम बात करें कि यहां से यहां जाने की कॉस्ट 5 है, 20 है, 10 है, तो इसने क्या करना है, सबसे पहले ये वाली चॉइस जो है वो फॉलो करनी है। रीजन उसका क्या है कि ये बेस्ट या ऑप्टिमल, जो लोकली ऑप्टिमल है उसको सबसे पहले फॉलो करता है, और उसी के तर्ज पे ये क्या कर रहा है कि विद इंटेंट ऑफ फाइंडिंग द ग्लोबल ऑप्टिमम, मतलब ये इसी बेसिस पे चाहता है कि मैं ग्लोबल ऑप्टिमम रिजल्ट या ग्लोबल मैक्सिमम रिजल्ट भी मैं क्या कर सकूं, फाइंड कर सकूं। और यहां पे अगर हम बात करें, इसमें हम बात करते हैं सॉल्यूशन स्पेस, फिजिबल सॉल्यूशंस की या ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। मैं एक्चुअली ग्रीडी एल्गोरिदम को होते क्या है, एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताना चाहता हूं। जैसे अगर हम बात करें, एज ए स्टूडेंट हमारे पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस हैं। जैसे हमारे पास ऑप्शन है कि लेट्स से अगर मैंने इंजीनियरिंग लाइन में, लाइक से मैंने अगर नॉन मेडिकल चूज किया है, तो नॉन मेडिकल में आगे जाके मेरे पास है कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में जा सकता हूं, या फिर अगर मैं मेडिकल चूज किया तो मैं मेडिकल में आगे मेडिकल लाइन में जा सकता हूं, या फिर मेरे पास बैंकिंग सेक्टर की है, एसएससी वगैरह है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा सकते हैं, या फिर अपना बिजनेस खुद एंटरप्रेन्योरशिप भी हम चूज कर सकते हैं। मतलब मेरे पास जो मल्टीपल करियर ऑप्शंस है, इसको आप कह सकते हो एक सॉल्यूशन स्पेस। मतलब ये सारी जितने भी ऑप्शंस है एक सॉल्यूशन स्पेस है, लेकिन आउट ऑफ दिस सॉल्यूशन स्पेस हम पहले फाइंड आउट करते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन सम सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब हम एक सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे आउट ऑफ ऑल द फिजिबल, आउट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन स्पेस मैं फिजिबल कंडीशन जो है वो फाइंड आउट करूंगा, ये फिजिबल सॉल्यूशन जो फाइंड आउट करूंगा। फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब है कि लेट्स से अगर मैंने 11th और 12th में आर्ट्स की है, तो ऑब्वियसली मैं इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जा सकता। तो यानी मेरे आउट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन स्पेस एक जो फील्ड है वो वहां से निकल गई। तो मेरा एक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या कहता है कि बेस्ड ऑन सम सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स से अगर मेरे पास आर्ट्स है, तो मेरी सिलेक्शन क्राइटेरिया पे इंजीनियरिंग यहां से निकल गया, मेडिकल यहां से निकल गया। अब मेरे पास कौन कौन से फिजिबल सॉल्यूशन है, मैं बैंकिंग लाइन में जा सकता हूं, आईबीपीएस का एग्जाम देके मैं आगे बैंकिंग लाइन में जा सकता हूं, एसएससी में जा सकता हूं, गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब्स है उनमें जा सकता हूं, बिजनेस जो है वो अपना कर सकता हूं, कोचिंग सेंटर्स ओपन कर सकता हूं। ये जो है मेरे पास करियर चॉइसेस अब बचती हैं आउट ऑफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशन। अब उसमें से भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, क्योंकि ग्रीडी जो एल्गोरिदम्स है ये टोटली बेस्ड है किसके ऊपर, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हमने करना क्या है, हम यहां पे फोकस करते हैं मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या है कि लेट्स से यही एग्जांपल से अगर हम बात करें, मेरे पास मल्टीपल फिजिबल सॉल्यूशन है, एक 10 है, एक 20 है, एक 5 है, लेकिन इनमें से सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, सबसे मिनिमम कॉस्ट है 5। तो मैं क्या करूंगा, सबसे मिनिमम कॉस्ट वाले पाथ को ही चूज करूंगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, ऑप्टिमल पाथ है। ऐसी रियल लाइफ एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे थे, मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या है कि मेरे को जहां पे मेरे मतलब कोर्स की फीस कम लगे, मैं उस पाथ को चूज करने की कोशिश करूंगा, जहां पे मेरी कोचिंग जो है वो थोड़ी सस्ती रहे, मैं उस पाथ को चूज करने की कोशिश करूंगा। और दूसरा हम यहां पे क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट।
मैक्सिमाइज द प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली मैं उस करियर पाथ को चूज करने की कोशिश करूंगा जहां पे मेरे को प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम हो, मतलब जहां पे मेरे को पे स्केल सबसे ज्यादा मिले, या जहां पे लोकेशन हो सकता है आपका डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है कि आप किस क्राइटेरिया पे आप मैक्सिमम जो है वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो। तो यहां पे मेरा जो प्रॉफिट है वो मैं मैक्सिमम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नाम ही क्या है एल्गोरिथम्स का, ग्रीडी। तो ग्रीडी का मतलब क्या है कि आप ग्रीडी हो रिगार्डिंग प्रॉफिट। तो आप जो भी आपको सोल्यूशन दे, जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में आप उसी सोल्यूशन की तरफ जाओगे जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। जैसे ऑफर्स का अगर टाइम हो तो ऑफर्स के टाइम पे हम क्या करते हैं, उसी शॉप पे या उसी मॉल में जाने की कोशिश करेंगे या उसी शॉप पे जाएंगे जहां पे मेरे को मैक्सिमम ऑफर्स या सबसे हाईएस्ट ऑफर मेरे को मिल रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ कि कपड़ा कैसा है। मतलब जो भी हम चीज खरीद रहे हैं, लेट्स से क्लोथ अगर खरीद रहे हैं तो कपड़ा कैसा है, स्टफ कैसा है। हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो मेरे को सोल्यूशन बेस्ट ना मिले, लेकिन लोकली उस स्टेज पे वो मेरे को बेस्ट सोल्यूशन जो है वो दे रहा है। यही सबसे मेन पॉइंट है ग्रीडी का, कि आप लोकली सबसे बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। तो अगर आप कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हो तो मिनिमम कॉस्ट की तरफ जाओगे, अगर आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट करने की कोशिश करोगे, अगर आप रिस्क की बात कर रहे हो तो मिनिमम रिस्क की तरफ आप जाने की कोशिश करोगे। तो मतलब आप वो वाला पार्ट चूज करने की कोशिश करोगे जहां पे रिस्क कम हो। मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट हम जल्दी वहां करने की कोशिश करते हैं जहां पे मेरा रिस्क जो है वो कम से कम हो। तो यही एक्चुअल में फंडा है ग्रीडी टेक्निक का, कि वो उसी स्टेज पे जिस स्टेज पे आप खड़े हो उसी स्टेज पे वो बेस्ट रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम कॉस्ट से रिलेटेड है तो मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट से रिलेटेड है तो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, रिस्क से रिलेटेड है तो हम मिनिमम रिस्क जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ कि मेरा जो फाइंड, मेरा जो यहां पे ग्लोबल सॉल्यूशन क्या आ रहा है। हो सकता है कि कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो यहां पे मैंने लिखी हैं, जैसे कि नैपसैक प्रॉब्लम है, जॉब सीक्वेंसिंग है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न है, हफमैन कोडिंग है, डिजस्टर एल्गोरिथम है, दैट इज कॉल्ड अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ग्रीडी सॉल्यूशन के अंदर या ग्रीडी एल्गोरिथम के अंदर आती हैं। तो इनमें हम बेसिकली यही कर रहे हैं, या तो मैं मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट कर रहा हूं, या मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहा हूं, या मैं रिस्क को कम से कम करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन हम फोकस किसके ऊपर करते हैं, जिस स्टेज पे हम खड़े हैं उसी स्टेज के ऊपर हम फाइंड आउट करते हैं बेस्ट रिजल्ट। ग्लोबली आपका रिजल्ट बेस्ट आ रहा है या नहीं, ये इसकी कोई गारंटी नहीं देता। तो ये है एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन ग्रीडी टेक्निक के बारे में। तो आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियोस में एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।